नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक ब्रिज कन्या को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी रेड कलर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट करें। दोस्तों, कौन है जो माँ लक्ष्मी की कृपा ना पाना चाहता हो? अगर इस दीपावली आप भी माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद चाहते हैं तो कमेंट्स में जरूर लिखिए जय माँ लक्ष्मी, जय माता दी। दोस्तों, माँ लक्ष्मी के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। दोस्तों, धनतेरस बस आने ही वाला है, ऐसे में सनातन धर्म को मानने वाले लोग धनतेरस पर अपनी श्रद्धा अनुसार कुछ न कुछ जरूर खरीदते हैं। लेकिन शास्त्रों के अंदर कुछ चीजों के बारे में बताया गया है कि गलती से भी आपको धनतेरस के दिन ये चीजें नहीं खरीदनी चाहिए, वरना अनजाने में की गई इस गलती के कारण माँ लक्ष्मी स्थायी रूप से आपके घर में वास नहीं करती। माँ लक्ष्मी नाराज होकर आपके घर से हमेशा के लिए चली जाएंगी, क्योंकि दोस्तों इन वस्तुओं को धनतेरस के दिन खरीदना शुभ नहीं माना जाता। इसलिए इन चीजों को धनतेरस के दिन कभी भी ना खरीदे। क्या है वो चीजें, उनके बारे में आज हम आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे। तो गलती से भी आपको ये चीजें धनतेरस के दिन अपने घर में नहीं लानी है। कई लोग अज्ञानतावश भी ये चीजें खरीद कर अपने घर ले आते हैं और उसकी वजह से उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले तो दोस्तों ये जान ले कि आपको धनतेरस के दिन गलती से भी चमड़ा नहीं खरीदना चाहिए। लोग जूते खरीदते हैं, बेल्ट खरीदते हैं, पर्स खरीदते हैं, और क्योंकि धनतेरस का दिन कुछ भी खरीदने के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है, तो लोग ऐसे में इस तरह की चीजें भी खरीद लेते हैं धनतेरस के दिन। आप भी अगर लेदर पर्स या फिर बेल्ट या जूते या चमड़े से बनी कोई भी चीज खरीदना चाहते हैं तो धनतेरस के दिन खरीदने की गलती ना करें। ऐसी खरीदारी शुभ नहीं मानी जाती, क्योंकि पूरे साल में धनतेरस एक बहुत ही ज्यादा शुभ दिन माना जाता है। इस दिन जो भी वस्तु आप घर में लाते हैं वो आपके घर में दिन दुगनी रात चुगनी उन्नति की व्यवस्था बना देती है। और वहीं अगर आप इस दिन चमड़े से बनी चीज घर में लाएंगे तो आपके आने वाले समय में आपको दरिद्रता का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ऐसे में आपसे माँ लक्ष्मी क्रोधित हो सकती है। तो चमड़े से बनी चीज आपको खरीद करके धनतेरस के दिन नहीं लानी है। अगर आप चाहें खरीदना तो आप धनतेरस से पहले ही खरीद लीजिए, लेकिन धनतेरस के दिन इन्हें लाने की भूल ना करें। अगली चीज दोस्तों जो आपको धनतेरस के दिन नहीं खरीदनी चाहिए वो है लोहे का सामान। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना, लोहे से बना कोई भी सामान धनतेरस के दिन ना खरीदें। शास्त्रों के अनुसार इस दिन सोना, चांदी, हीरे, मोती, जेवरात, पीतल, तांबा और स्टील के बर्तन, ये सब चीजें खरीदनी चाहिए। और अगर आपकी क्षमता अनुसार आप ये सब चीजें नहीं खरीद सकते हैं तो ऐसे में और बहुत सी छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं जो केवल मात्र 5 रुपए तक में भी आप खरीद करके धनतेरस के दिन घर में लाइए, जिससे आप अपने घर में शुभता ला सकते हैं। इसके लिए हमने एक वीडियो बनाया है जिसमें आप जान सकते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको धनतेरस के दिन लानी चाहिए और उसमें आपका कोई भी खर्च नहीं होगा। ये वीडियो आपको इस वीडियो के अंत में मिलेगा, तो अंत तक जरूर बने रहिए। दोस्तों, धनतेरस के दिन लोहे का सामान घर में नहीं लाना चाहिए, माँ लक्ष्मी आपसे नाराज हो सकती है और कोई भी नहीं चाहेगा माँ लक्ष्मी को दीपावली पर नाराज करना। तो इसलिए आप भी ये गलती ना करें, जिससे घर में धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी आपके घर से चली जाए। तो इसलिए आपको धनतेरस के दिन लोहा खरीदने से बचना चाहिए, वरना आपको कंगाली का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप अपने घर में शनि और राहु का वास नहीं चाहते हैं तो ये गलती भूल कर भी ना करिए। चलिए जानते हैं कि अगली कौन सी चीज है जो धनतेरस के दिन नहीं खरीदनी चाहिए। वो है दोस्तों धारदार चीजें, जैसे चाकू, कैंची और इस तरह की जो भी नुकीली चीजें हैं आपको धनतेरस के दिन नहीं खरीदनी चाहिए। ऐसी चीजें खरीदना बहुत ही अशुभ माना जाता है, ऐसे में घर के सदस्यों के बीच कलेश बढ़ते हैं, इसलिए धनतेरस के दिन ऐसी चीजें खरीदने से बचना चाहिए। दोस्तों, धनतेरस के दिन काले कपड़े भी नहीं खरीदने चाहिए। दिवाली माँ लक्ष्मी का पर्व है और दिवाली की शुरुआत धनतेरस से ही शुरू हो जाती है। जहाँ ये त्योहार जगमगाती रोशनी और दीप और उजाले का है, वहीं काले रंग का कोई स्थान नहीं है। इंसान का भाग्य भी तभी चमकता है जब घर में सकारात्मकता हो। वहीं अगर इस दिन आप काले रंग के कपड़े ले आएंगे तो ऐसे में आप अंधकार और नकारात्मकता को अपने घर में प्रवेश करने का मौका खुद ही देंगे। तो इसलिए आपको काले रंग की चीजें, खासकर काले रंग के कपड़े धनतेरस के दिन घर पर नहीं लाने चाहिए। बहुत से लोग नए कपड़े दिवाली के लिए खरीदते हैं और धनतेरस का दिन कोई भी वस्तु खरीदने के लिए शुभ माना जाता है, ये सोच करके काले रंग के कपड़े तक भी वो धनतेरस के दिन खरीद लाते हैं। तो याद रखें, आप भूल कर भी ये गलती ना करें, वरना आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है, आपके जीवन में नकारात्मकता उत्पन्न होगी। इसलिए इस दिन काले रंग के कपड़े खरीदने से बचें। इसके अलावा आपको
धनतेरस के दिन तेल नहीं खरीदना चाहिए। आप चाहे खाने के लिए लाना चाहते हो या फिर पूजन के लिए, लेकिन धनतेरस के दिन घर में तेल खरीद कर लाने की भूल ना करें। खासकर तिल का तेल तो आप बिल्कुल भी ना लाएं इस दिन। दरअसल शनि देव का वास तिल में माना जाता है। ऐसी अवस्था में अगर आप अपने घर के लिए तेल लाते हैं, फिर चाहे वो पूजन जैसे शुभ कार्य के लिए ही क्यों ना हो, आपको शनि देव की कुदृष्टि का सामना करना पड़ सकता है और आपके सारे बनते बनते काम भी बिगड़ सकते हैं। तो इसलिए धनतेरस के दिन तेल लाने की गलती ना करें। तो दोस्तों, ये थी वो चीजें जो आपको धनतेरस के दिन घर में नहीं लानी चाहिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे। जय मां लक्ष्मी, जय माता दी।